बादल भाई, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इस 75 साल में बहुत सारी पार्टियों की सरकारें रही, बहुत सारी पार्टियों की सरकारें आई, बहुत सारी पार्टी की सरकारें गई। आज देश में 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं पे वो 5 साल से सरकार में है, कहीं 10 साल से सरकार में है, कहीं कहीं पे तो 15 साल से सरकार है। केंद्र सरकार में भी उनको आए हुए 2014 से हो गए, लेकिन आज उनके किसी भी राज्य का कोई काम के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, केंद्र सरकार के कामों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर किसी एक सरकार के कामों की चर्चा हो रही है तो अरविंद केजरीवाल जी के कामों की सरकार चर्चा हो रही है। 2018 में हमारी सरकार को बने हुए मात्र 3 साल हुए थे, कोफी अन्नान साहब जिनको दुनिया की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, यूएन में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, वो भारत आते हैं और भारत आकर दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक को देखने जाते हैं। अपने साथ वो कई देशों के प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ में लेके आते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक को देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है अगर इसको पूरी दुनिया में लागू हो जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्या, जो क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर है वो शायद खत्म हो जाए। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, अपनी धर्मपत्नी के साथ आती हैं। उनकी धर्मपत्नी एक रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल को देखना है।